हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक वार थर्ड की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश का क्षेत्र, इससे संबंधित आज का अपना क्वेश्चन नंबर अपना 30 है दोस्तों, 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या है अपना, कि उच्च धारावाही चालक तार पर बैठी चिड़िया तार को स्पर्श करने पर भी आवेशित नहीं होती है, जबकि जमीन पर खड़े व्यक्ति को तार स्पर्श करने से झटका लगता है। यह दोस्तों एक 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च धारावाही चालक तार पर बैठी चिड़िया तार को स्पर्श करने पर भी आवेशित नहीं होती, मतलब उसे झटका नहीं लगता है, लेकिन जबकि जमीन पर खड़े व्यक्ति को तार स्पर्श करने से झटका लगता है, वह क्यों लगता है तो मैं आपके लिए बताता हूँ। एक बार देख लेते प्रश्न है अपना, कि उच्च धारावाही चालक तार पर बैठी चिड़िया तार को स्पर्श करने पर भी आवेशित नहीं होती है, जबकि जमीन पर खड़े व्यक्ति को स्पर्श करने से झटका लगता है। इसका कारण क्या है कि चिड़िया जब तार पर बैठती है दोस्तों, तो उसका संपर्क क्या होता है कि पृथ्वी तल से नहीं हो पाता। चिड़िया तार पर बैठी तो उसका संपर्क पृथ्वी तल से तो नहीं है, जब उसका संपर्क पृथ्वी तल से नहीं है तो विद्युत परिपथ भी पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए उसे कुछ होता ही नहीं। लेकिन जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वह तार को छूता है, उसका शरीर होता है स्वचालक, संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है उसका और विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि उसे झटका लग जाता है। बिल्कुल इतना सीधा और सरल उत्तर है इसका, लिख के भी बता रहे हैं कि इसका कारण यह है कि चिड़िया जब तार पर बैठती है तो उसका संपर्क पृथ्वी तल से नहीं हो पाता, जब वो तार पर बैठी है तो उसका संपर्क पृथ्वी तल से नहीं होता, जिससे विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता। जब संपर्क पृथ्वी से नहीं है तो उसका विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता तथा उसे कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता है, उसे झटका नहीं लगता है। लेकिन यदि जमीन पर खड़ा व्यक्ति तार को छूता है तो शरीर है दोस्तों, जो हमारा शरीर सुचालक होता है, विद्युत का चालक होता है दोस्तों, जब हम किसी भी विद्युत की चीज को छूते हैं तो हमें करंट लगता है, तो हमारा शरीर सुचालक होने के कारण संपूर्ण आवेश पृथ्वी पर चला जाता है और विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है और उसे झटका लग जाता है। तो यही कारण है कि दोस्तों तार पर बैठी चिड़िया है, यदि वो नीचे से दोस्तों नीचे पृथ्वी से अपने पैर टिकाकर यदि वो छुएगी तार को तो उसे भी करंट लगेगा। लेकिन दोस्तों यदि तो दोस्तों इसका कारण ये है कि चिड़िया जब तार पर बैठती है तो उसका संपर्क पृथ्वी तल से नहीं हो पाता है, जिससे विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता है तथा उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि जमीन पर खड़ा व्यक्ति तार को छूता है तो शरीर सुचालक होने के कारण संपूर्ण आवेश पृथ्वी में चला जाता है, विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है और उसे झटका लगता है। दोस्तों आज का यह अपना प्रश्न था और उसका उत्तर था। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रेकॉर्ड सबकी क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।